संसार में हमारा मन जो भगवान में नहीं लग रहा है ना, उसका कारण बुद्धि है हमारी। हम भगवान के सत्संग में नहीं बैठ पा रहे हैं, इसका भी कारण कहीं ना कहीं बुद्धि का है। हम भगवान के भजन में नहीं बैठ रहे हैं, हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं, गौ माता, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का काम है। ये बुद्धि हमको वहाँ से भटकाती है, ये मति जो है ना, ये बुद्धि हमको वहाँ से भटका देती है। बहुत सारे लोग हैं अभी अपने जड़खोर गोधाम में, तो बहुत लोग हैं, प्रातःकाल में सबका दर्शन किया आपने, सब रूप में सो रहे हैं और उनके पास आवाज़ भी जा रही हो। ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं जा रही होगी, उनके पास आवाज़ भी पहुँच रही होगी, वो सुन भी रहे होंगे, लेकिन वो पांडाल तक नहीं आ सकते, यहाँ तक नहीं। क्यों? बुद्धि रोक रखी है ना उनको, बुद्धि से अरे क्या जाना, अभी तो बात देखेंगे बाद में, क्यों जाए भाई, क्या करना है, देखेंगे बाद में, सुन लेंगे। ये उनको, ये बुद्धि उनको बार बार पकड़ रही है, रोक रही है उसको, उसको सत्संग में नहीं लाने दे रही है। अरे थोड़ा सो लो, दोपहर में भंडारा ज्यादा अच्छा था, थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धि रोकती है, अरे चलो थोड़ी देर बाद भजन कर लेंगे, अभी थोड़ी और प्रपंच कर लें, अरे थोड़ी देर में चले जाएंगे पांडाल में, जाएंगे हो आएंगे, ये बुद्धि रोक रही है हमको। अरे थोड़ा और सो लो, ये कौन रोक रहा है, बुद्धि ही तो रोक रही है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, ये बुद्धि ही कर रही है हम पे, हमको बुद्धि रोक रही है बार बार। भैया इस मति को भगवान को समर्पित कर देना है, जो बुद्धि रोक रही ना बार बार, इस बुद्धि को भगवान में लगा के रखो। भगवान के सिवा किसी अन्य का चिंतन इसके आए ही ना। जैसे महाराज जी कहते हैं, कैसे लगा के रखो इस मन को, इस बुद्धि को कैसे लगा के रखो, बोले इसको भी बार बार जो है ना, जैसे एक सास अपने बहू से कह रही है, सास अपने बहू से कह रही है, अरे बहुरिया सांस लेओ, बहुत देर से बहू को अपने लगा करके रखा था काम में, और वो चरखा चला रही थी बेचारी, बहू चरखा चला रही थी खूब थक गई, लेकिन अब सासू माँ कुछ कह ही नहीं रही हैं तो कैसे छोड़ दे। तो सासू माँ कहती हैं कि अरे बहुरिया सांस लेओ, मतलब हे बहू अब थोड़ा सांस ले लो, बहुत देर से चला रही हो। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ सासू माँ ने अब तो कहा कि सांस ले लें, इतनी देर से बहुत, लेकिन दूसरे ही शब्द में कहती हैं चरखा छोड़ो जांत लेओ, मतलब बहुत देर से आप चरखा चला रही हो, इसको छोड़ो और जांत चलाओ पीसने वाला। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपने इस बुद्धि को, इस मन को इस प्रकार से लगा करके रखना चाहिए। और इसको तुमने कहीं भी इसको खुला छोड़ा तो फिर कमरे में बंद रहोगे, आराम से पड़े हो जैसे सो रहे वैसे ही बार बार वो। और इसको बार केवल भगवान के चरणों से बांध के रखो, इस बुद्धि को, इस मति को भगवान को समर्पित करके रखो। और मन बुद्धि यह सब भगवान को समर्पित हो जाएगा तो फिर काम बन जाएगा। यही बात श्री भीष्म जी महाराज कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनी। हे प्रभो, मैं अपनी इस मति को आपको समर्पित कर रहा हूं। आप यह मत समझिएगा कि मेरी मति में, मेरी बुद्धि में संसार की कामनाएं, संसार की वासनाएं भरी होंगी। नहीं नहीं मेरी मति एकदम वितृष्णा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा है ही नहीं है, उसमें ना तो किसी संसार की लोकेष्णा है, ना तो उसमें किसी प्रकार की ईर्षा, कुछ भी नहीं है, वितृष्णा है, शुद्ध है महाराज, पवित्र बुद्धि है मेरी, और पवित्र बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ।
भीष्म जी महाराज कह रहे हैं मैंने भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि, मैंने अनेक प्रकार के साधन अनुष्ठान को कर करके, अनेक प्रकार के साधनों को करके, अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को करके, और वह भी साधन अनुष्ठान इस प्रकार से मैंने किए कि मेरी बुद्धि कामना रहित हो गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, मेरी बुद्धि निष्काम है, कोई कामना नहीं मेरी बुद्धि में। और जो निष्कामी होता है वह भगवान का होता है। तो मेरी बुद्धि कामना रहित हो गई है, इसलिए इस बुद्धि को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, और आप इसको स्वीकार करें। आपके चरणों में मैं या स्वसुख मुपगते क्वचित बिहर तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। आप प्रकृति से परे हैं, आपके द्वारा है यह संसार सब कुछ चलता है, इसलिए प्रभु यह मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करिए। एक बात यहाँ बहुत अच्छी बात है कि भाई बुद्धि तो हमारी संसार में लगी है, हमारी मति संसार में लगी हुई है, संसार के कामनाओं में लगी हुई है, सब कामना में बुद्धि लगी हुई है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर नौकरी करना है, फिर मकान बनाना है, फिर दुकान चलाना है, फिर कुछ बच्चों के लिए इकट्ठा करना है, फिर कुछ पैसे इकट्ठे करके जाना है, ये कामना। भाई देखो, कामना तो कुछ ना कुछ तो प्रत्येक व्यक्ति को होती ही है, और कामना करता है व्यक्ति, पढ़ना भी एक कामना है, पढ़ेंगे भाई किस लिए पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, एक पढ़ाई खत्म नौकरी की कामना, नौकरी मिल गई फिर उसके बाद एक घर मिल जाए, घर बन जाए एक बढ़िया सा अच्छा सा, वो कामना, घर बन गया, अरे गर्मी बहुत है एसी लग जाए, ये कामना। भाई नौकरी थोड़ा दूर है और मकान थोड़ा शहर से भी थोड़ा दूर है, एक गाड़ी हो जाए वो कामना, सब तो हो गया, अब विवाह हो जाए वो कामना, फिर उसके बाद बच्चे हो जाए वो कामना, बच्चे पढ़ लिख जाए वो काम, पूरे जीवन तो कामना ही कामना है, बुद्धि कामना रहित नहीं हो पा रही है। बुद्धि कामना रहित कैसे होगी, हमारी मति निष्काम कैसे होगी, इसकी सारी कामनाएं खत्म कैसे होगी, ये निष्कामी कब होगी। श्री भीष्म जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि की कामनाओं को समाप्त करना है, संसार की कामनाओं को खत्म करके अगर भगवत कामना करना है, भगवान के चरणों में बुद्धि को समर्पित करना है, तो उसके लिए बुद्धि को कामना रहित करने के लिए साधन और अनुष्ठान करना चाहिए। बिना साधन अनुष्ठान के बुद्धि कामना रहित नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन महाराज जी कहते हैं हमको साधन अवश्य करना चाहिए, हमको साधन करना चाहिए, हमको भजन आदि जरूर करना चाहिए। यह सब साधन संसार की कामना से नहीं, भगवत कामना से करनी चाहिए, और इससे बुद्धि पवित्र होती है, उसके सारे कामनाएं खत्म हो जाती है, वह साधन अनुष्ठान भजन आदि करने से होती है। इसलिए बुद्धि को भी पवित्र भजन आदि करता है।